तीन नगरीय निकायों में 116 अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज होगी। हम आपको बता दें कि खरगोन जिले की 86, सनावत की 26 और बड़वा की 4 अवैध कॉलोनियां जो दिसंबर 2016 तक अस्तित्व में आई थी, उन अवैध कॉलोनियों पर अब नियमितीकरण की कार्यवाही होगी। नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई है। नगरपालिका सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया है। खरगोन नगर की ऐसी अवैध कॉलोनियां 86 हैं, जबकि सनावत नगर पालिका में 26 और बड़वा में 6 ऐसी कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, जैसे राज्य शासन के निर्देश हैं कि कॉलोनियों का हमें वैधीकरण करना है, खरगोन शहर की अगर मैं बात करूं तो अपने यहां पे 86 कॉलोनियां ऐसी हैं जो अवैध हैं, 2016 से पूर्व वाली, और बड़वा सनावत को मिला के 116 कॉलोनियां हमारे पास अवैध हैं। इसकी प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत नियम 23 में उल्लेखित है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया हमें शुरू करने के पहले, वैधकरण शुरू करने के पहले, इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसे कॉलोनाइजर्स, जिन्होंने अवैध कॉलोनियां काटी जिसकी वजह से लोग आज तक परेशान रहे, इनकी हमें थाने में सूचना देना है। तो वो प्रक्रिया हमारे द्वारा की गई है। 116 कॉलोनियां जो अवैध थी 2016 के पूर्व वाली, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। 86 है जो 2016 के पूर्व की है। हाँ, कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं एफआईआर करने के, उसी के तहत थाने में एफआईआर की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।